नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार की महागठबंधन सरकार लगातार रोजगार और नौकरी की बात कर रही है, तो उस पर विपक्ष लगातार सवाल भी खड़े कर रहा है, जो विपक्ष का काम भी है। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं को नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं, हर विभाग में बहाल किए गए युवाओं को नौकरी दी जा रही है। और एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान किया है और कहा है कि 16 तारीख को 10,000 युवाओं को नौकरी देने जा रहे हैं एक बार फिर से। और ये युवा वो होंगे, हम आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता देना चाहेंगे कि बिहार पुलिस में बहाल 10,459 नए पुलिसकर्मियों को वर्किंग यूनिफॉर्म में राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। इसके लिए पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, जहां सीएम अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। सीएम नीतीश कुमार द्वारा नियुक्ति पत्र पाने वालों में 8,246 सिपाही और 2,213 अवर निरीक्षक शामिल होंगे। नियुक्ति पत्र सौंपने का ये कार्यक्रम 16 नवंबर को आयोजित होगा। और यही बात तेजस्वी यादव ने कहा भी है, और इस बात को तब कहा है जब उनसे ये सवाल किया गया कि बीजेपी के द्वारा आपसे हिसाब किताब मांगा जा रहा है, आप 3 महीने हो गए लेकिन कितने लोगों को आपने नौकरी दी है, कितने लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है, क्या हिसाब देंगे। तो तेजस्वी यादव ने इस पर, कल आपने अगर वीडियो देखा होगा लाइव सिटीज पर, तो जरूर सुना होगा किस प्रकार उन्होंने रिएक्ट किया था और कहा था कि हिसाब तो लेना ही चाहिए, हिसाब चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, लेकिन जब बात तरक्की की हो, जब बात रोजगार की हो, बात नौकरी की हो और बात जब युवाओं की हो, तो हिसाब किताब तो लेना ही चाहिए। और ये बीजेपी ने ठीक किया, और बीजेपी को उसी अंदाज में तेजस्वी यादव ने जवाब भी दिया और कहा कि जो हर साल करोड़ों युवाओं को नौकरी देने का जो वादा रहा है, उसमें से कितने पूरे हुए। और ये बात कहते हुए तेजस्वी यादव ने अमित शाह के उस बयान की भी याद दिलाई जिसमें उन्होंने कहा था कि चुनाव में जुमलेबाजी होती रहती है, और जुमलेबाजी की बात कही उन्होंने ये भी कहा। खैर, तेजस्वी यादव इस बार बड़ा ऐलान करते हुए नजर आए, दिल्ली से लौटे थे, और दिल्ली से लौटने के बाद ही तेजस्वी यादव ने साफ कहा कि हम युवाओं को नौकरी देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। इस दौरान तेजस्वी यादव ने पिता लालू प्रसाद यादव और अपनी बहन रोहिणी आचार्या को लेकर भी टिप्पणी की, प्रतिक्रिया दी और बताया कि जो बेस्ट मैच हुआ उसकी किडनी की ट्रांसप्लांट की बात चली और रोहिणी दीदी ने जो है वो किडनी देने का फैसला किया है। हालांकि परिवार में अन्य लोग भी चाहते थे कि वो अब लालू प्रसाद यादव को किडनी दें, लेकिन उनका बेस्ट मैच था इसलिए उन्होंने किडनी डोनेट करने का फैसला लिया है। तो ऐसे में अब तेजस्वी यादव लगातार नौकरी देने की बात कर रहे हैं और विपक्ष बिहार में जो है लगातार सवाल कर रहा है। देखना है कि बिहार में जो वादा किया गया है महागठबंधन सरकार के द्वारा, 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार, वो पूरा हो पाता है कि नहीं। लगातार नियुक्ति पत्र दिए जा रहे हैं, लगातार बहाली की प्रक्रिया तेज की जा रही है, लगातार पदों को भरने की कवायद तेज है। अब ऐसे में जो हालात हैं उसे देखकर लगता है कि तेजस्वी यादव अपने वादे को पूरा करने में लगे हुए हैं। नीतीश कुमार भी जो गांधी मैदान में उन्होंने कहा था, उस वादे को पूरा करने की दिशा में कार्य कर रहे हैं। आने वाले दिनों में इसकी तस्वीर और भी साफ होगी, जब और भी युवाओं को नौकरी मिलेगी तब तस्वीर और साफ होगी, जब बिहार के युवा सड़कों पर नहीं उतरेंगे, प्रदर्शन नहीं करेंगे, बहाली के लिए हो हल्ला नहीं मचेगा, तब तस्वीर बिहार की और भी साफ होगी। बहरहाल, तेजस्वी यादव के इस बात को लेकर अब बिहार में विपक्ष क्या कुछ कहता है वो भी देखेंगे, क्योंकि लगातार विपक्ष के सवालों का जवाब तेजस्वी यादव दे रहे हैं और विपक्ष सवाल भी खड़े कर रहा है। देखना है कि ये सवाल जवाब कहां चलता है, क्योंकि बिहार में एक विधानसभा की जो सीट है, कुढ़नी विधानसभा सीट, उस पर उपचुनाव भी होना है और इसको लेकर भी बयानबाजी का दौर और सरगर्मियां बिहार में तेज हो चली है। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।